पता नहीं कहाँ चले गए ये दोनों। देव भैया को तो किसी भी टीम में 12th बैट्समैन की भी जगह नहीं मिल सकती, इतनी गंदी बैटिंग कर रहे हैं। देवू कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ वो माँ सॉरी, फोन खो गया गलती से। फोन खो गया? और विवान कहाँ है? विवान वो फोन ढूंढने के लिए गया है और वो बुरे लोगों की गैंग को भी सबक सिखा। बुरे लोगों का गैंग? चल गोबू खेलते हैं, चल ना खेलते हैं, खेलते हैं। अरे सच सच बताओ देवू, किन बुरे लोगों की बात कर रहे हो? हाँ कहाँ गया है विवान? मुझे पता है कौन है वो बुरे लोग। मतलब विवान ने तुझे भी सब बताया है, तू भी विवान की गैंग में शामिल है? गैंग तो टपोरी लोगों की होती है, मैं तो विवान की पलटन में हूँ, इसमें प्यारे प्यारे शैतान बच्चे रहते हैं। अरे जल्दी बताना गोपू, कहाँ गया है विवान, कौन सी बुरी गैंग है ये? चिंटू चिंटी से लड़ने गया है, वही है भारत नगर के सबसे बड़े विलान। क्या मैं माँ को बता दूँ कि विवान कहाँ गया है? पता नहीं उस टिगर से वो लोग क्या करेंगे। वैज्ञानिक कितना समय और अभी बॉम्ब बनने में? ट्रिगर लगा दिया है मैंने, सिर्फ एक घंटा और, उसके बाद बॉम्ब बिल्कुल तैयार हो जाएगा। धरती भस्म होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। बस धन्यवाद ताई, मस्त बढ़ता है। मामा जी आपको नहीं लगता कि ये फेस पैक लगाने के बजाय आप थोड़ा सिक्स पैक्स पे ध्यान दें तो बेटर रहेगा? क्यों, मेरे पेट को क्या हुआ सुतली? मैं खोलती हूँ। थाम सुतली थाम, अब मैं बिना देखे ही दरवाजा खोल दूंगा। लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ सीधा सीधा सीधा। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। फेस पे फेस पैक है, ऐसी हालत में मेगा जी ने मेरा थोड़ा देख लिया, मेरा इज्जत का फलूदा हो जाएगा। तुम सुतली दरवाजा खोल। क्या हुआ मामा जी, आप ऐसे क्यों छुप रहे हो जैसे बाहर डॉन आ गया हो? अरे डॉन से कौन डरता है सुतली, मेगा जी है दरवाजे पे। मेगा जी तू एक काम कर, उनको जाके बोल दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। जा 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 बक्तिस का जाना लोग कर। हाय सुतली। हाय। कानून जी घर पर है? मामा जी ने कहा है कि वो घर पे प्रेजेंट नहीं है। हाँ ऐसा ही बोला है उन्होंने। अच्छा कानून जी क्या आप मुझसे नाराज है? मेघा जी मैं और आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ, मैं तो इतना खुश हूँ इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता, आप और मेरे गरीब खाने में। तो फिर छुपे क्यों है, बाहर आइए ना। अरे विवान क्या है ना कि मुझे एक जोची ने कहा है कि मैं 12 बजे तक अगर अपना सुंदर चेहरा नहीं दिखाऊं ना तो सब कुछ अच्छा होगा, मतलब बैड लक नहीं होगा, बैड लक। तिमनासा ने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया तो पूरी धरती का बैड लक हो जाएगा, मुझे जल्दी फोन की लोकेशन को ट्रैक करके तिमनासा तक पहुंचना पड़ेगा। बड़े अंकल आपके ज्योतिष जी ने तो 12 बजे का टाइम बोला था ना, लेकिन उधर देखो 12:12 हो गए। क्या 12:12? अभी तो 11 बजे थे, फास्ट फूड में 12 कैसे हो गए? वो बच गए। कानून जी मुझे आपकी मदद चाहिए, दरअसल मेरा फोन गुम गया है और उसी के बारे में मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। क्या ये क्या कौन क्या, मैं आपका कानून जी हूँ, किस ने हिम्मत की आपके फोन को चुराने की, मैं मेरी जान मेरी पुलिस फोर्स लगा दूंगा फोन ढूंढने में। हाँ देखा जी आप नंबर दीजिए। हाँ, नंबर दीजिए विवान, ये दीजिए। ओके
ये तो करुणा जी का नंबर है। हाँ, क्योंकि मेघा दीदी मम्मी का फोन यूज कर रही है ना। हाँ। लेकिन मेघा दीदी मेघा जी मम्मी का फोन क्यों यूज करती है? क्योंकि इनको भी एक ज्योतिष जी ने कहा है कि ये वाला नंबर जो है ना इनके लिए लकी है। हाँ। लेकिन अरे लेकिन लेकिन छोड़ो ना कानून जी, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? वरना मैं किसी और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा देती। मेघा जी आप नाराज मत होइए, मेरे होते हुए आप और कहीं कहाँ क्यों जा रही है? बस एक बार फोन का लोकेशन ट्रैक हो जाए उसके बाद टम्मी अंडी की उल्टी गिनती शुरू। अब ना रहेगा बॉम्ब, ना रहेगी टमनासा। गिरपाल जी कितने सभ्य पुरुष है ना, मेरा मतलब मस्ती परी और तुमने ये खोजी यंत्र मांगा और उन्होंने दे भी दी। भाई बरी सिग्नल नहीं जा रहा। सोच क्या रही हो भाई परी, तोड़ दो दरवाजा। फोड़ने के लिए बॉम्ब तो दूर एक गुब्बारा भी नहीं है। आवाज यहीं कहीं से आ रही है। इसका मतलब तमनासा को इस मोबाइल फोन के बारे में पता था और उसने हमारी फिरकी ले ली। विवान, अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? पता नहीं बॉम्ब बन गया तो कितनी देर में फटेगा। अब वो लोग तमनासा तो क्या, तमनासा की परछाई तक को नहीं ढूंढ पाएंगे। अब आगे करना क्या है तमनासा? कुछ नहीं, तुम और नागिनी उस बड़े बालवीर के ऊपर नजर रखो, क्योंकि मुझे शक है कि बालवीर और शौर्य मिलकर जरूर कोई चाल चल रहे हैं। सर्वकाल, धरती भस्म होने में अब बस कुछ ही पल बाकी हैं। कहाँ है वो तुम्हारी छुपी शक्ति जो काल लोक की भैरानी का काल बनेगी? कितनी नादान हो तुम तमनासा, मेरी ही जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अदृश्य कवच में छुपी बैठी हो और तुमने ये भी नहीं सोचा कि कोई अदृश्य कवच मेरी नजर से छुपा नहीं रह सकता तमनासा। ये कौन सी अज्ञात ऊर्जा है जिसने मुझे ये गुप्त संदेश भेजा है? यूरेनियम के चोरी हुए पूरे 48 घंटे बीत चुके हैं और लोग काफी डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात ये है कि यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम के लिए भी किया जा सकता है। ये एक बम पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। क्या ये किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का काम है या फिर ये किसी दुश्मन देश की साजिश है? दादाजी मुझे समझ नहीं आता कि इंसानों ने न्यूक्लियर बम बनाया क्यों, वो भी इतना ताकतवर जो पूरी दुनिया को खत्म कर दे। नहीं बेटा, साइंस अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छे या बुरे तो लोग होते हैं। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर न्यूक्लियर पावर का सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया में फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पर देबू भैया आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि बालवीर को सब पता होता है। बालवीर को सब पता होता है मतलब? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ दादाजी, मैंने तो अभी इस बुक में पढ़ा। दादाजी क्या मंदिर चल सकते हैं? अरे हाँ हाँ चलो चलो, मंदिर जाने से तो मन को शांति मिलती है। चलो बेटा देबू तुम भी चलो। अरे नहीं नहीं दादाजी, मैं यहीं पर रुकूंगा। माँ घर पर अकेली है, विवान नहीं आया इसलिए वो पहले से ही परेशान है।
और अब मैं भी नहीं मिलूंगा तो वो और परेशान हो जाएगी। हाँ देवू भैया। और हाँ खुशी, मेरे लिए प्रसाद भी लेकर आना। तुम कब आए विवान? हाँ भी मम्मी की तरह मेरी कदमों की आहट पहचानने लगे। अरे नहीं नहीं, मेरे पास माँ जितने तेज कान का है, लेकिन मेरे पास ये चार आंखें हैं, जिससे मैं चारों दिशाओं में एक साथ देख सकता। पता नहीं तिमनासा ने उस बम को कहाँ छुपा रखा होगा। वैसे तुम्हारा मुंह दो दिन पुरानी ब्रेड जैसा क्यों हो गया? अरे ये मिल गया तुम्हें? वाह, इसका मतलब तुमने तिमनासा के बम को डिफ्यूज कर दिया होगा, है ना? बम तैयार हो गया है। बहुत खूब वैज्ञानिक, बहुत खूब। चलो अब इसी बात पर तुम्हारा पृथ्वी लोक से जाने का समय आ ही गया। मुझे मत मारो। वैज्ञानिक, अरे वैज्ञानिक कहाँ जा रहा है? मुझे मत मारो, रहम करो मुझ पे। अरे रहम ही तो खा रही हूँ मैं तुम पर, तभी तो तुझे मेरे हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वरना तुम भी उन धरती के लोगों की तरह उस परमाणु बम के धमाके से भाप बनकर उड़ जाते, है ना? एक मिनट, अगर आपने मुझे मार दिया तो आप ये बम कैसे चलाओगे? इसको चलाने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। मुबारक हो वैज्ञानिक, काम खत्म होने तक तुम्हें उधारे की चंद सांसें मुबारक हो। अब मेरे काल साम्राज्य को पूरे ब्रह्मांड में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। सर्वकाल की वो छुपी शक्ति भी नहीं, और ना ही वो दोनों बालवीर। हिम्मत मत हारो विवान, बालवीर वो ताकत है जो आखिरी पल में भी डूबती हुई नाव को किनारे तक पहुंचाने की हिम्मत रखता है। मतलब बालवीर के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी को भी हरा सकता है। तुम तिमनासा को नहीं जीतने दोगे, मुझे विश्वास है तुम पर, लेकिन अपने बालवीर होने का फर्ज बाद में निभाना, पहले अपने बेटे होने का फर्ज निभा लो। माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही, पिछले चार घंटों से वो तुमसे मिलना चाहती है, एकदम परेशान हो गई। अब जल्दी मिलो वरना वो और गुस्सा करेंगी। चलो चलो। देखो भैया, अपनी गलती से मम्मी के सामने वो सीक्रेट तो नहीं भूल गया ना? नहीं, वो क्या है ना, गलती से मुंह से सिगरेट तो निकल गया था, लेकिन गोपो ने बचा लिया। गोपो ने? हाँ, वो क्या है ना, मैंने माँ के सामने गलती से बुरे लोगों का गैन बोल दिया, लेकिन वो गोपो ने उसे गलती से चिंटू चिंटी समझ लिया। चलो, पहली बार गोपो का गलत तुक्का एकदम सही जगह लग गया है। लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम प्लीज ध्यान रखना, हमें ये सीक्रेट सबसे छुपा के रखना है, मम्मी से भी, ठीक है? ओके, चलो। पता नहीं ये विवान कहाँ है और कब आएगा। मम्मी, मम्मी, माँ, मम्मी, माँ, माँ, मम्मी, मम्मी आंखें खोलो। मम्मी को क्या हो गया? मम्मी अचानक बेहोश कैसे हो गए? मम्मी आंखें खोलो ना। विवान, मैं माँ को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जल्दी। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। ये क्या है? ये अचानक हवा में दरवाजा कैसे खुल गया? और अंदर एक सफेद शेर भी है। नहीं, ये क्या है विवान? अरे तब मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जाग देवू, देवू जाग, देवू। अरे देवू भैया, अरे 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 भैया भैया, ये कोई सपना नहीं है। और ये वीरलोक के बिग बॉस है शौर्या,
अरे अंजाम में कोई भी खतरा नहीं है। पक्का? पक्का। अरे तो विवान पहले बोलना चाहिए ना, मैं तो फुकट में अपने गाल लाल कर बैठा। वैसे तुमने पहले कभी बताया नहीं कि वीरलोक के प्रिंसिपल ये शेर सर है। आपने अभी क्या कहा? शेर सर? हाँ। अरे कोई लोकल शेर को, मेरा मतलब है शेर सर आप इस तरफ क्यों आ रहे हो? क्यों, क्या हुआ? आपको पसंद नहीं है अगर मैं आपको शेर सर बोलूं? विवान, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। मुझसे किसी अज्ञात ऊर्जा ने संपर्क किया था और इस ऊर्जा ने मुझे धरती पर उस परमाणु हथियार का पता बता दिया है। लेकिन उस ऊर्जा के पीछे वो भोरी दीदी तिमनासा का भी तो हाथ हो सकता है शेर सर। शौर्य भैया। हाँ शौर्य, हो सकता है कि तिमनासा ने हमें भटकाने के लिए हमें गलत पता बताया हो। नहीं विवान, मैंने पूरी जांच कर ली है और ये जानकारी सही है। लेकिन ये कौन सी ऊर्जा है और ये हमारी मदद क्यों कर रही है? मैं इस बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि तुम जाकर पृथ्वी पर मंडराते विनाश के खतरे को दूर करो। ठीक है, मैं अभी परियों के साथ जाता हूँ। परियां पहले ही जा चुकी हैं, अब तुम्हें भी जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। ठीक है बेबू भैया, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, माँ को हॉस्पिटल कॉल लेके जाएगा। जब एक बेटा अपनी माँ के साथ हो तो दूसरे बेटे को फिक्र करने की क्या जरूरत है? आप मम्मी को हॉस्पिटल पहुंचाकर एक बेटे का धन पूरा करिए और मैं धरती को बचाकर बालवीर का धन पूरा करता हूँ। वो परमाणु बम। क्यों ना मैं इस बम को चल चल से वापस कालों की भेज दूं, तिमनासा का फटेगा उसी के गार्डन में फोड़ दूं। तिमनासा की बुरी शक्ल ठीक कर दूं मैं, उसकी अकल काल लोग को मिलेगी सीख जब बॉम्ब कट चला जाए। विवान, विवान, समर के, ओह, विवान उठो, विवान। तुम ठीक तो हो ना विवान? लगता है तिमनासा ने इस बॉम्ब को धरती के साथ किसी जादू से जोड़ रखा है। मतलब इस खतरनाक हथियार को हम पृथ्वी से बाहर ही नहीं फेंक सकते। अगर हम इस बम को चले चल नहीं कर सकते तो क्यों ना हम इस बम को डिफ्यूज कर दें? डिफ्यूज? डिफ्यूज? ये क्या होता है विवान? जैसे कि माचिस की तली पर अगर हम पानी डाल दें तो वो तली आग नहीं पकड़ती। ठीक उसी तरह अगर हम इस बॉम्ब के अंदर जो सर्किट का तार है हम उसे खराब कर दे तो ये बॉम्ब नहीं फटेगा। विवान, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। विवान
इस छोटे बालवीर की हिम्मत को मानना पड़ेगा, लेकिन अफसोस कि बेचारा अब खुद भी मरेगा और साथ ही खत्म होगी वो छुपी हुई शक्ति भी। चल वैज्ञानिक, घड़ी शुरू कर दे। ये कैसी आवाज थी विवान? इस बॉम्ब का टाइमर शुरू हो गया है। ठीक 4 मिनट बाद ये बॉम्ब फट जाएगा। आप क्या करेंगे विवान? इतने कम समय में तो हम न इसे धरती से दूर ले जा सकते और न इसे नाकाम कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं है, इस बॉम्ब का टाइमर अपने आप शुरू कैसे हो गया? कहीं तमनाशा में दूर से देख तो नहीं रही? अगर ऐसा है तो हमें अभी के अभी वहां जाना होगा जहां से इस बॉम्ब को कंट्रोल किया जा रहा है। आओ छोटे बालवीर। अरे वाह, सुनो वैज्ञानिक, तुम्हारा विज्ञान का जादू तो पूरी धरती का टकला फोड़ रहा है, मतलब पूरी धरती के टुकड़े टुकड़े करने वाला है। टुकड़े धरती के नहीं, तुम लोगों के होंगे। और इतने कि साइंस मैथ तो क्या, कल लोग का जादू भी भूल जाओगे। देखा तुमने ऐसा, यहाँ भी सिर्फ छोटा बालवीर आया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उस बड़े बालवीर की सारी शक्तियां छीनी जा चुकी हैं। आओ विवान आओ, आज तुम बस अपनी इन दो तितलियों के साथ आए, बाकी की 3 तितलियां कहाँ गई तुम्हारी? और तुम्हारा वो बड़ा भाई, तुम्हारा गुरु, वो बड़ा बालवीर नहीं आया तुम्हारे साथ? जब तक तमनाशा मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रही है, तब तक आप लोग उस वैज्ञानिक से वो टाइमर कब्जे में ले लीजिए। तुम्हें क्या लगता है, तुम काल लोक में इस अपनी आधी अधूरी फौज के साथ आकर तमनाशा को हरा दोगे? गलत फहमी है तुम्हारी। धोखे में मत रहना तमनाशा, क्योंकि मैं खुद में ही एक फौज हूँ। हाँ? यहाँ पे एक ऐसी भी फौज है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे बेटा या कोई योजना भी है तुम्हारे पास? वो क्या है ना भैमार अंकल, कि आपको मैं और ये दो परियां तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी की 3 परियां और मेरे गुरु यानी कि बड़े बालवीर भी यही, लेकिन वो अदृश्य रूप में। भैया हमला करिए। गलती नहीं सुरक्षित है। बालवीर तो बन गए तुम विवान, और अभी तक तुम्हारी बचकानी हरकत नहीं गई। चलो मैं भी देखती हूँ कि अपनी इस बचकानी हरकत से कब तक मुकाबला करोगे तुम इन खूंखार योद्धाओं का। चलो शुरू करो। अभी अभी उड़ना सीखा है पर काट दो इसके। Hey!
मैं इस नागिनी को अभी भवंडर में फंसा देती हूँ। ऐसे भी क्या जल्दी है विवान? परी परी, टाइम जा रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं सिखा पा रहे, लेकिन उसे सिखाने के टाइम मार सकते हो। हजार मक्खियां अगर हाथी पर बैठ भी जाए ना विवान, तो भी हाथी को हरा नहीं सकती। अब बस तुम्हारे पास 50 पल बचे हैं धरती को खत्म होने से बचाने के लिए। छोटे बालवीर, योजना नाकाम हो गई और अब अच्छाई के मसीहा के पास बस 30 पल बचे हैं। जब तक एक पल भी बाकी है, तब तक ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो, क्योंकि बालवीर वो होता है जो आधे पल में भी बाजी पलट दे। अच्छा, कौन सा बालवीर? तुम या फिर वो अदृश्य बालवीर जिसे तुम यहाँ लेकर आए थे, जो अभी तक हमें नजर भी नहीं आया। कौन सा बालवीर? बहुत लुका छिपी खेल ली सपोले ने, अब इसे काबू में लाना होगा। विमान! ये देख रहे हो छोटे बालवीर, पृथ्वी के विनाश की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। बीस, 19, 18, बस कुछ पल और। परियों, हमें खुद को इन सांपों से आजाद करना होगा। लेकिन ये सांप बहुत ही ताकतवर है विवान। ताकतवर होंगे, लेकिन है तो सांप ही ना। और आप तो जानती हैं कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन सांप के सामने बीन बजाओ तो। नहीं, नहीं, नहीं।
लगता है सदमे से पागल हो गई है, हंस रही है। अरे विवान, तुम तो बस एक पल से चूक गए। तुम्हारी धरती अब तक तबाह हो चुकी होगी और लोग पहुंच चुके होंगे उसमें। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। विवान, 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 तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी वो प्यारी से नन्ही सी पृथ्वी भी अब तक धूल बन चुकी होगी। एक ही झटके में बड़े बालवीर और उस छुपी शक्ति से छुटकारा पा लिया मैंने, और अब मैं अजय हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तिमनासा, इस नेक बच्चे को आखिरी बार इसकी प्यारी पृथ्वी और इसके प्यारे परिवार से तो मिलवा दो। क्यों नहीं, जरूर। दूसरी धरती ने कहां से जन्म ले लिया? ये दूसरी पृथ्वी नहीं है, ये वही पृथ्वी है, मगर कैसे? इसका मतलब वो परमाणु बम फटा ही नहीं, बस की बम निकला। तुम्नासा, आखिर ये बम फटा क्यों नहीं? साइंटिस्ट सर, ये अपनी जान बूझकर टेमी अंडी को बिना इंजन वाली कार, बिना दांत वाला शेर, यानी कि बिना ब्लास्ट वाला बम तो नहीं दे दिया था। स्मार्ट हाँ? पहले ये काम मैं नहीं करना चाहता था, मगर मैंने ये काम किया और मुझसे कोई भी गलती नहीं हुई है। मैंने ये बम बिल्कुल सही बनाया था। क्या? तो फिर चक्कर क्या है? आप ही चेक करके बताइए ना कि ये बॉम्ब हिट होने के बदले लॉक कैसे हो गया। एक मिनट में चेक करके बताता हूँ। अरे, इसमें तो ट्रिगर के साथ कनेक्टर भी नहीं है। क्या? हाँ, लेकिन मैं और परिया जब यहाँ आए थे तब तो टाइमर ठीक से चल रहा था, इसका मतलब उस वक्त तो ट्रिगर था। मुझे लगता है हमारे जाने के बाद यहाँ जरूर कोई आया था जिसने ये किया है। आखिर ये हो कौन सकता है? मेरी तरह कोई साइंटिस्ट ही होगा, क्योंकि ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। आप मुझे माफ कर दीजिए, जब मुझे हिम्मत दिखानी चाहिए थी मैं उस तिमनासा से डर गया था, मुझे अपनी जान बचानी थी इसलिए। जिसने भी ये काम किया उसके फिंगरप्रिंट तो जरूर होंगे। ये तो और भी अजीब बात है, इस बॉम्ब पर कोई भी उंगलियों के निशान नहीं है, कम से कम साइंटिस्ट सर के तो फिंगरप्रिंट होने चाहिए थे। ये क्या लोचा है? अब इस वैज्ञानिक को कुछ याद नहीं रहेगा।
ये तो देवू भैया का चश्मा है, तो क्या इसका मतलब उन्होंने बॉम्ब को नाकाम किया है? लेकिन वो तो मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं और उनके पास शक्तियां भी नहीं है। ये संभव ही नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बालवीर की शक्तियां बाकी नहीं रही, तो भला वो कैसे परमाणु हथियार को नाकाम कर सकता है? अरे रे रे रे, ना की नहीं, शांत हो जाओ। भले ही तुम्हारी आंखों में अपने दुश्मनों की तस्वीर छप जाती होगी, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि किस तरह बालवीर आकर कालोक वाले के चेहरे पर हार की छाप छोड़कर चला जाता है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि बालवीर ने विवान और परियों को यहाँ भेजा हमारा ध्यान भटकाने, ताकि धरती पर उस विस्फोटक को नाकाम कर सके? ठीक है, ऐसा ही हुआ है। चाहो तो शर्त लगा लो, एक कटोरी दूध की। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बस बहुत हुआ अंधेरे में तीर चलाना। तिमनासा, हमें खुद धरती पर जाके देखना होगा कि हो क्या रहा है, बालवीर के पास शक्तियां हैं या नहीं। खात्मा तो जरूर होगा तिमनासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। नागिनी, तुम मेरे साथ चलो। आज इस बालवीर के नाटक का पर्दाफाश होके रहेगा। मेरा नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या देव ही देवू है, क्या देवू ही बालवीर है, क्या देवू देव बालवीर एक ही है? माँ आप आराम से बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता। अरे पर यहाँ तो मेडिकल शॉप है। माँ माँ आप बैठिए, मैं मेडिकल शॉप ढूंढ लूंगा। भैया बैठिए, जल्दी आना। हाँ ये सब क्या कर रहे हैं भैमार? ये धरती वालों का हर साल का तमाशा है। इन्होंने प्यार मोहब्बत के लिए एक दिन तय कर रखा है, जिसे ये वैलेंटाइंस डे कहते हैं। पर खैर, तुम इन सब चीजों से दूर रहना, तुम नागिनी हो। तुम्हारा काम याद है ना, बालवीर पे नजर रखना। चलो ना भैमार, हम भी अपना एक चित्र निकालते हैं। तुमसे मना किया था ना, ये फोन उनके चक्कर में मत पड़ो। बालवीर पे ध्यान रखने के लिए कहा था। वो देखो, वो रहा देबू उर्फ बालवीर उर्फ देव। सच्चा बालवीर कभी किसी मासूम की जान नहीं जाने देगा। समझ गई ना क्या करना है? बालवीर बनके अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हाँ
शाबाश। बचाओ, बालवीर! बचाओ! कोई तो बचाओ प्लीज। बस बहुत जल्दी पीतल पे से सोने का पानी उतरने वाला है। बालवीर! चलो बालवीर, एक माँ की मदद की पुकार को अनसुना करोगे क्या? शाबाश, करो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बालवीर। लड़की ने आकर के सारा खेल बिगाड़ दिया। चलो यहां से। थैंक यू सो मच। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? इट्स ओके, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बस अगर कभी किसी को लाइफ में आपकी मदद की जरूरत पड़े तो आप उसकी हेल्प कर देना, मुझे मेरा थैंक यू मिल जाएगा। बड़े ही नेक विचार है आपके। सिर्फ नेक विचार होने से कुछ नहीं होता है ना मिस्टर, उसके लिए टाइम रहते एक्शन भी लेना पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। सही तो मैंने कहा ही है, पर आपने सही किया कहाँ एक्शन ना लेके। अरे मैंने एक्शन लिया ना, मैं तो बच्चे को बचाने आने ही वाला था, लेकिन वो अचानक बाइक आ गई बीच में, इसलिए। What the hell? फट्टू, ये फट्टू वाले रीजन ना मुझे मत देना। मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे आज स्कूल नहीं जाना। ये सब बहाने जाके आप अपनी मम्मी को दीजिए, मुझे नहीं। ओके, गुड बाय। अरे अरे सुनिए, अरे 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 अरे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। क्या कहा? अब वही जो यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, तो मैंने सोचा कोई अच्छी बात होगी इसलिए आपको भी बोल दिया। ओ हेलो। हेलो। तुम ना ज्यादा चांस पे डांस मारने की कोशिश मत करो। डांस? मैं तो किसी की शादी में भी डांस नहीं करता, तो यहाँ पे फोकट में डांस क्यों करूंगा। किस दुनिया से आए हो मिस्टर, तुम्हें यही नहीं पता वैलेंटाइन डे क्या होता है? अब आपको मतलब बताना है तो बता दीजिए, वरना मैं खुद पता कर लूंगा। सिर्फ एक बॉयफ्रेंड ही एक गर्लफ्रेंड को बोल सकता है हैप्पी वैलेंटाइन डे। देबू, कौन है ये प्यारी सी लड़की? तुमने तो कभी मिलवाया नहीं मुझसे, तुम तो बड़े छिपे रस्तम निकले। अरे नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस इन्हें ये समझा रही थी कि वैलेंटाइन डे होता क्या है। बाय द वे आंटी, आप मुझे बता सकते हो कि भारत नगर कहाँ है? आपको भारत नगर जाना है? चलिए मैं ले चलता हूँ। हेल, वो भी तुमसे? नेवर। अरे अभी आप ही ने तो कहा कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आ सकता तो वो इंसान किस काम का, है ना, है ना, है ना? अरे चलो ना बेटा, हमारे साथ ही भारत नगर, हम भी वहीं जा रहे हैं। ओके आंटी। बालवीर को इस हालत में देखकर पूरी तरह साबित हो चुका है कि देबू की याददाश्त जा चुकी है और खत्म हो चुकी हैं बालवीर की सारी शक्तियाँ। लेकिन जिस तरह से आज बालवीर ने सौरभ की मदद की,
मेरा यकीन करो भैमार, उस लड़की ने आकर के सब गड़बड़ कर दी, वरना आज बालवीर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने ही वाला था। ये भाई राजा, इतनी सुंदर और सुशील लड़की बोल रही है तो सची होगा ना? चुप, एकदम चुप। और तुम दोबारा मेरी बात काटने का साहस मत करना। और तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का साहस मत करना, वरना मेरी आस्तीन को सांप मुझसे जुबान चला रही है। भूलना मत कि तुझमें जान किसने फूंकी है, और एक चक्की बजाते ही ये जान जा सकती है। तुम लोगों की बकवास अगर खत्म हो गई है तो कुछ काम की बात कर ले। भैमार, तुम्हारी तो योजना नाकामयाब हो गई, पर कोई बात नहीं, मेरे पास एक और योजना है जिससे मैं बालवीर के ऊपर ऐसा जाल फेंकूंगी कि बालवीर खुद पर खुद उसमें फंस जाएगा और उसकी असलियत सामने आ जाएगी कि आखिर वो चाहता क्या है। नई योजना सोचने गई थी? मुझे तो लगा कि आपने कांडों से संन्यास ले लिया। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मेरी असली योजना तो धरती पर उस छुपी शक्ति को खत्म करने की है, लेकिन उससे पहले इस बालवीर ने जो भोलेपन का चोला पहन रखा है, मैं उसे उतारना चाहती हूँ। देखो भैया, अगर मम्मी को लेकर हॉस्पिटल गए हैं तो उनका ये चश्मा बॉम्ब के पास कैसे पहुंचा? इसका जवाब तो देखो भैया ही दे सकते हैं। हाँ विवान, हाँ हम घर पहुंचने वाले हैं। हाँ बेटा, देबू मेरे साथ ही है, चिंता मत कर। ठीक है मम्मी, आप बस जल्दी से घर आ जाइए, बाकी बातें बाद में करते हैं। ठीक है। बड़े घने बाल हैं आपके, कौन सा तेल लगाती हैं आप? अब लगता है आपने नाश्ते में करेला खाया है, इसलिए आपका मुंह कड़वा है। और लगता है आपने नाश्ते में साबुन खाया था, तभी जुबान फिसलती जा रही है। ओ ठीक है, मैं चुप रहूंगा, लेकिन आपको हमारे साथ टैक्सी का भाड़ा शेयर करना पड़ेगा। मैं पूरा भाड़ा दे दूंगी, बस आप प्लीज अपना मुंह बंद रखिए। मेरा मुंह मेरी मर्जी, चालू रखूं या बंद रखूं? ऐसे नहीं बोलते देवू बेटा। माँ मैंने क्या गलत बोला? अगर कोई तारीफ करता है तो सामने डांटते थोड़ी है, और हमें इनका नाम पता कुछ नहीं पता। मेरा नाम अनन्या है, मैं पुणे से आई हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। और कुछ जानना है आपको? तो पुणे वालों ने आपको निकाल दिया? What the F? ठीक। क्या बोला फिर से बोलना? मैंने बस यही कहा कि अगर आप मुंबई नहीं आती तो वो बच्चा कैसे बचता। अच्छा हुआ। कौन सा बच्चा? अरे आपको पता नहीं है माँ, अनन्या देवी जी ने एकदम बंदर की तरह उछल के एक बच्चे को बचा लिया। हाँ, अरे वाह अनन्या, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू आंटी। बाय द वे, बंदर की तरह उछल के नहीं, लाइक अ जिमनास्ट। जिमनास्ट कौन से जानवर का नाम है? ओ हेलो। हेलो। जिमनास्टिक एक स्पोर्ट है और उसके खिलाड़ी को जिमनास्ट कहते हैं। ओ, इससे अच्छा तो आप सर्कस में काम करती, लगे हाथ पैसे भी मिल जाते। वैसे आपने जिमनास्ट बनना ही क्यों चुना? क्योंकि मैं अपने हीरो की तरह बनना चाहती हूँ। हीरो मतलब अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ? वैसे मैं कोई फिल्मी हीरो की बात नहीं कर रही, मैं रियल लाइफ हीरो बालवीर की बात कर रही हूँ। मैं भी उसी तरह अच्छाई के रास्ते पर चल के लोगों की मदद करना चाहती हूँ। वाह अनन्या, वेरी गुड। थैंक यू आंटी। और इसीलिए ना मैं भारत नगर रहने आ रही हूँ, ताकि वहाँ पर मैं बालवीर से मिल सकूँ। आपको कैसे पता है कि बालवीर भारत नगर में ही रहता है? बस मुझे पता है कि वो भारत नगर में ही रहता है।
वैसे अनन्या जी, आपने बताया नहीं कि आपको कैसे पता कि बालवीर भारत नगर के आसपास ही रहता है। ये मैं आपको क्यों बताऊं देवू जी? अरे बता दो बेटा, वरना देवू सोच सोच के परेशान होता रहेगा। आंटी आप बोल रहे हो इसीलिए बता देती हूँ, क्योंकि आप बहुत स्वीट लगे मुझे। तो मैंने ना अपनी फुल ऑन रिसर्च की है, और अपनी रिसर्च के बाद मुझे ये पता चला है कि बालवीर ने कई बार भारत नगर के लोगों को मुसीबत से बचाया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बार फैक्ट्री में कुछ लोग फंस गए थे तो बालवीर गया उन्हें बचाने। इतना ही नहीं, भारत नगर के कुछ बच्चे किडनैप हो गए थे तो भी बालवीर ने आके उन्हें बचाया था। तो मैं तो भाई 99% श्योर हूँ कि बालवीर यहीं कहीं रहता है। हाँ, बात में दम तो है तुम्हारी। अच्छा खैर ये बताओ कि तुम भारत नगर में रहने कहाँ वाली हो? कोई रूम वूम देखा हुआ है तुमने? हाँ आंटी, मैं ना चिंटू मिश्रा के घर पे रहने वाली हूँ, क्योंकि ना मैंने सुना है कि बालवीर ने उसे ऑटोग्राफ दिया था, और वो और बालवीर BFF से। BFF? बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, यानी हमेशा का पक्का वाला दोस्त। ये कैसा लॉजिक है? अगर शाहरुख खान जी ने मुझे ऑटोग्राफ दिया तो मेरे BFF हो जाएंगे। हाँ? What the F? फालतू, ये क्या फालतू लॉजिक हुआ? मैं भी कैसी अजीब लड़की से बात कर रहा हूँ, जो अपना शहर छोड़ के मुंबई आ गई, वो भी सिर्फ बालवीर के चक्कर में। ओह हेलो। हेलो। क्या कहा, फिर से बोलना। लगता है आपके दिमाग के साथ साथ आपके कान में भी प्रॉब्लम है। माँ हमें इसे डॉक्टर के पास ले जा। डॉक्टर के पास? वो भी मुझे? हाँ, वो आपको एक मशीन देंगे तो आप कान में। अच्छा, मेरे कान में मशीन लगी। आपको मेरे कान में आपको मशीन देंगे तो आप। अरे भूलो नहीं, सुनो, फिर से झगड़ने लगे तुम लोग। अब चलिए माँ, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है, चलिए। हाँ। देबू, इसकी हेल्प तो कर दो। माँ वो जिमनास्ट है, वो खुद ब खुद बैग्स उठा लेगी। आप चलिए, आपको आराम की जरूरत है। अरे लेकिन देबू अच्छा नहीं लगता ना, हेल्प कर दो। ठीक है, मैं उसकी मदद कर देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको घर छोड़ कर आऊंगा, चलिए। अरे तब तक क्या ये वेट करेगी तुम्हारा? तुम एक काम करो, इसकी हेल्प करो, मैं चली जाऊंगी। अरे घर सामने ही तो है। माँ लेकिन। अरे मैं चल सकती हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है, आप कह रही हैं इसलिए, वरना उस हेलो को तो मैं दोबारा हाय भी नहीं बोलता। एक मिनट, लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। फिर आ गए तुम? माँ ने भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए। ऐसे क्या भाग उठाया कि हैंडल ही टूट गया? बैग अच्छी क्वालिटी का लाना चाहिए ना, मैंने तो आराम से उठाया था ऐसे। पत्थर भरा है क्या बैग में जो सारे हैंडल टूट रहे हैं? ओ हेलो। हेलो। पत्थर नहीं, बुक्स है। तीसरा बैग भी उठा लेता हूँ। इस बैग के पास तो जाना भी मत, ये मैं खुद उठा लूंगी। वैसे दोनों बैग के जो हैंडल टूट गए हैं वो हम कैसे उठा के ले जाएंगे? हम नहीं, तुम। वैसे अनन्या जी, आपको भारत नगर के बारे में सब कुछ पता होगा ना? सब कुछ कहाँ पता है मुझे देबू, वरना ये भी पता होता कि हाँ तुम जैसे डफर से टकरा जाऊंगी। अरे रुकिए रुकिए, तू चिंटू के घर में तांगा जाके क्यों कर रहा है? मेरी चिंटू को वैलेंटाइन्स डे कार्ड भेजा है तृप्ति के नाम से। क्या? सॉरी। अरे तृप्ति कौन है? तेरे सामने खड़ी है, चिंटू की खास फैन है। इव नहीं, वाओ। अब देखना मैं इस चिंटू की कैसे कमाल फिरकी लेता हूँ। चींटी चढ़ती है पहाड़ पे चीनी खाने के लिए, चींटी चढ़ती है पहाड़ पे चीनी खाने के लिए,
मैंने भेजा है ये कार्ड प्यार जताने के लिए। प्यार? क्या तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? हाँ जानना चाहता हूं। तो फिर मुर्गा बनके एक जोर की बांग लगाओ कुकड़ू को। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मेरी तरफ से बहुत प्यारा गिफ्ट मिलेगा, तुम्हारी सीक्रेट फैन तृप्ति। अब देखना ये डोंकी कैसे मुर्गा बनता है कुकड़ू को। कुकड़ू को। अरे वाह गिफ्ट तू भी सूटकेस में भेजा है मेरे सीक्रेट फैन ने। दूसरा गिफ्ट भी, वो भी जंबो साइज, बिल्कुल मेरी तरह। ओ हेलो, ये क्या कर रहे हो? ये मेरा लगेज है। अरे ये मेरे गिफ्ट है, मेरे सीक्रेट फैन ने भेजा है। ए छोड़ो मेरा बैग, साइड में रखो। लगता है आप समझे नहीं, ये मेरे गिफ्ट्स हैं। ये भारत नगर में हर बच्चे और बड़े का स्कूट हिला है क्या? हर किसी का नहीं, लेकिन इसका थोड़ा ढीला जरूर है। एक मिनट, ये मेरी तरफ देखकर क्या खुशबूसू कर रहे हैं आप दोनों? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि यही वो चिंटू मिश्रा है जिनसे आप मिलना चाहती थी और जिनके घर पे आप पीजी बन के आई। ओह माय गॉड, ये चिंटू है? ओएमजी, हाय। हाँ कहीं आप ही तो वो तृप्ति नहीं ना? तृप्ति? कौन तृप्ति? मैं तो अनन्या हूँ। अच्छा सुनो, तुम ये सब लगेज चाहिए ना, तुम ये सब रख लो, पर प्लीज प्लीज मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड बालवीर से मिलवा दो प्लीज। मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और आप रख लो अपने लगेज, मुझे नहीं चाहिए। और पापा शाम को आ जाएंगे, आप उनसे मिल लेना। अरे अब मुझे बालवीर से कौन मिलवाएगा? अनन्या जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको बालवीर से मिलवाऊंगा। क्या? क्योंकि बालवीर मेरा बीबीएफ है। बीबीएफ? बीएफएफ सुना था, ये बीबीएफ क्या है? बड़ा भाई फॉरएवर। आप बालवीर से मिलना चाहती है ना, तो रात को 8 बजे स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड पे आ जाना, और किसी को भी मत बताना वरना पूरा भारत नगर उसके साथ फोटोग्राफ लेने आ जाएगा, ठीक है? क्या तुम सच में मुझे बालवीर से मिलवाओगे? 8 बजे पहुंच जाना, पता चल जाएगा। मम्मी अब आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम ये बताओ तुम कहाँ थे बदमाश? मैं मंदिर गया था आपके लिए भगवान जी से प्रे करने, और वैसे भी देवू भैया तो थे ही ना हॉस्पिटल में, तो हमने सोचा कि भीड़ नहीं करते हैं इसलिए मैं नहीं आया। मंदिर गया था? विवान तुम मंदिर थोड़ी गए थे, तुम तो वो हाँ तुम मंदिर में ही गए थे, राइट? माँ वो मैं भूल गया था, विमान मंदिर ही गया था। आई एम सॉरी। हाँ मेरा विवान मंदिर कब से जाने लग गया? हाँ मम्मी आपकी रक्षा के लिए मुझे दूसरे प्लैनेट पर भी जाना पड़े ना, मैं चला जाऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि देवू भैया भी आपके पास से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं हटे होंगे, है ना? हाँ ये तो है, जब से मुझे हॉस्पिटल में होश आया ना तब से देवू मेरे साथ ही था। तो फिर देवू भैया का चश्मा बॉम्ब वाली लोकेशन में कैसे आया? हाँ मम्मी अब आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, तब तक मैं और देवू भैया आपके लिए कुछ हल्का नाश्ता बना कर लाते हैं, है ना भैया? हाँ चलिए। विवान हाँ? तुमने मुझे किचन में तो बुला लिया, लेकिन नाश्ता तो क्या, मुझे चाय बनाना भी नहीं आता, इसलिए तुम मेरी हेल्प कर देना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिकर मत भैया, वो सब मैं कर लूंगा, लेकिन आप बस ये हॉस्पिटल रिपोर्ट्स में जो लिखा है वो पढ़कर बताइए ना,
मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ब्लड टेस्ट, बीपी टेस्ट वगैरह। एक मिनट देख लेता हूँ। इस रिपोर्ट की क्या जरूरत है? मैं बताता हूँ ना, डॉक्टर ने ऐसा ही कहा है कि सब टिप टॉप है, सिर्फ माँ को चिंता कम करनी है। लेकिन भैया मुझे तो चिंता हो रही है ना, आप प्लीज एक बार हॉस्पिटल रिपोर्ट पढ़कर बताइए ना, प्लीज। नहीं विवान, प्लीज भैया, मेरे लिए प्लीज। मेरा चश्मा कहाँ रह गया? हॉस्पिटल में तो नहीं भूल गए? नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल में तो चश्मा लेकर ही नहीं गया, वो माँ बेहोश थी इसलिए मैं हड़बड़ी में था। शायद हमारे रूम में होगा, मैं देख लेता हूँ। ये चश्मा तो नहीं ढूंढ रहे हो?